हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में ओटीजी ऑप्शंस है तो ओटीजी ऑप्शंस को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको स्वाइप करके सेटिंग्स पे चले जाना। क्लिक करते ही आपको क्लिक कर देना है सर्चिंग सेटिंग पे, और आपको सर्च करना है ब्लूटूथ डिवाइस नेम, सॉरी आपको सर्च करना है ओटीजी ऑप्शन, ओटीजी। तो ओटीजी ऑप्शंस को हमने जैसे ओपन कर लिया है, तो ओटीजी ऑप्शंस को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओटीजी ऑप्शंस को इस तरीके से ऑन कर सकते हैं, ऑन करके इसका यूज़ कर पाएंगे। अगर ऑफ कर देंगे तो ओटीजी ऑप्शंस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है, और जो भी ओटीजी नेटवर्क होंगे आपके फ़ोन में कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से ओटीजी ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी ओटीजी ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे आइकन शो हो रहा है तो आपको स्वाइप करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी, आपको क्लिक करना है ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही ब्लूटूथ डिवाइस सेटिंग्स भी ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में जो ओटीजी ऑप्शन है इसको कैसे ऑन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर पाएंगे। इसके जरिए आप किसी भी ओटीजी पेन ड्राइव वगैरह का यूज़ कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं ओटीजी पेन ड्राइव में, और साथ में ओटीजी वायर भी अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर पाएंगे। और इसको ऑफ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से आप ओटीजी ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।